तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बड़ा 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 तो ओ भाई साहब ये आदमी ये बड़े ये मन हुआ ये टीम चल रहा है ये तो सुसु सुसु तो गए 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 ऊपर तो ओ नहीं सब कौन गया बाहर मंदिर तो नहीं उठोगे हाँ मंदिर मित्रों इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से वो तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तब आई मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली कर्ण प्रयाग श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच के रहे क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दे सभी लोग इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा कृपया वो ध्यान दे चमोली कर्णप्रयाग श्रीनगर ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दे कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चार तरफ वो लगा हुआ है भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है इसलिए आज संडे होने के कारण
बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही। पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहा कुछ। माता का जो दरबार जहां लगातार भक्तों का जो रौनक रहती थी मजबूरन जो सूत्रों के अनुसार कि कोई ग्लेशियर टूटा और पानी बढ़ने की आशंका से ये पूरा आप देख रहे हैं खाली करा दिया गया है। पूरी लॉबी में बाहर पूरा जो है चटकनी लगा दी गई है, कपाट बंद कर दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि कैंपस किस तरह से खाली होना शुरू हो गया है पूरा। ये नजर आपको एक भी कोई भक्त नजर नहीं आएगा। पूरा जो नदी के किनारे जो लोग स्नान कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, हाथ जो धो रहे थे, पूरा सब देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा ये खाली करवाने की पूरी शीघ्र से शीघ्र पुलिस प्रशासन ने उसको और स्थानीय पब्लिक ने और भक्तों ने भी इस बात को माना कि शायद कोई 2013 वाला कोई इस तरह का वो ना हो। और सबसे अच्छी बात है कि लोग सूझबूझ से काम ले रहे हैं, किसी अफवाह को ध्यान में न दिया जाए। जो सूत्रों से भी जो खबर आई है तो पूरा सुरक्षा की दृष्टि से उसको खाली कराया जा रहा है।